चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सा हेयर केयर, एक अमेजिंग सा हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ, विच इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर सो मेनी ऑफ यू। बहुत सारे लोगों के डाउट्स एंड क्वेरीज मेरे पास आ रहे हैं रिगार्डिंग हेयर फॉल, रिगार्डिंग हेयर ग्रोथ, रिगार्डिंग हेयर री ग्रोथ। इन सभी डिमेंशन के रिलेटेड मैं बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आज इस वीडियो में क्लैरिफाई करने वाली हूँ, तो प्लीज पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड सबसे पहले, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू। प्रीति प्रेरणा की फैमिली ने आज 10,000 का नंबर टच किया है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रीति प्रेरणा की फैमिली से जुड़े हर इंसान का, हर उस शख्स का जो मेरे चैनल के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हुआ है, जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी मुझसे मेरे चैनल के थ्रू पास ऑन हुए हैं, हर किसी का बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ यू एंड आई होप आई एम मेकिंग अ डिफरेंस इन योर लाइफ। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं, हर एक मैसेज, हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक शेयर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगी मैं आप लोगों का जो विश्वास है उसे बरकरार रखूं और अपनी आने वाली वीडियोस में आप लोगों के लिए और भी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहूं, जो कि आप सभी को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। तो आज जो हेयर मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं उसके तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं एंड तीनों ही महारत हैं। बालों की कैटेगरी में अगर आप देखें तीनों की बहुत ही स्पेशल प्लेस है। फर्स्ट इज योर फ्लैक्स सीड्स, द अदर इज योर अनियन जूस एंड द थर्ड इज योर कोकोनट ऑयल। सो बिफोर स्टार्टिंग टू टेल यू अबाउट द मास्क, आप देख चुके हैं कि कितना अमेजिंग रिजल्ट रहा है इस पर्टिकुलर मास्क का। मेरे बाल बहुत ही अमेजिंगली ब्यूटिफुल हो रखे हैं विद वन वॉश इटसेल्फ। और मॉनसून में आपको पता होना चाहिए योर हेयर के नॉट सस्टेन दिस ब्यूटी ऑल द टाइम। कुछ ना कुछ, कभी मौसम बहुत चिपचिपा होता है, कभी गर्मी होती है, कभी कुछ, बाल अपने मॉइस्चर को लॉक नहीं रख पाते, तो इस वजह से समथिंग और द अदर हैज टू बी डन। और अगर इस टाइम पे हम कुछ बहुत ही न्यूट्रिटिव अपने बालों के लिए करें तो नथिंग लेके। और ये हेयर मास्क कुछ ऐसा ही है, ये आपको जो हेयर फॉल हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, आपको रीग्रोथ प्रोवाइड करता है, आपका जो हेयर पैटर्न है जो बहुत ही यू नो रफ बाल हो जाते हैं उनको फिक्स करने के लिए ये मास्क कुड बी मैजिक। सो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स इतना न्यूट्रिटिव है आपके बालों के लिए। मैं बता चुकी हूं कि आप अगर कोई भी रेमेडी स्टार्ट करने वाले हैं तो हमेशा फ्लैक्स सीड से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स आपके बालों को एब्सोल्युटली न्यूट्रल कर देता है। किसी भी तरह का एलिमेंट, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपके स्कैल्प में अगर है तो फ्लैक्स सीड्स उसको एब्सोल्युटली न्यूट्रलाइज करके कंप्लीटली हेल्दी कर देता है। यह आपके बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, आपके बालों को स्ट्रेटन करता है, आपके बालों को बहुत ब्यूटिफुली मॉइस्चराइज करके उसके मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। फ्लैक्स सीड्स से रिलेटेड मैं दो वीडियोस आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं, अगर आप चाहें तो उन दो वीडियोस को डिटेल में देख सकते हैं, बिकॉज आई हैव शेयर द रिजल्ट्स ओवर देयर सिर्फ फ्लैक्स सीड्स को यूज करने का। तो आप देख सकते हैं कि अकेला फ्लैक्स सीड्स कितना अमेजिंग है और जब इस ब्लेंड में इसको इस्तेमाल किया जाता है तो फ्लैक्स सीड्स की जो प्रॉपर्टीज है उनमें चार चांद लग जाए। फ्लैक्स सीड्स बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, हाउएवर मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। फ्लैक्स सीड्स को बनाने के लिए आपको फ्लैक्स सीड्स एक कप पानी लेना है। मुझे बहुत सारे लोगों ने अपडेट किया कि फ्लैक्स सीड्स का जो जेल की कंसिस्टेंसी है उनकी प्रॉपर नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप फ्लैक्स सीड्स का जो सीड्स है उनकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए या फिर आप प्रोलॉन्ग उसको बॉइल कीजिए। ज्यादा बॉइल करेंगे तो जो ऊपर झाग प्रोड्यूस होता है उस वजह से जो आपका फ्लैक्स सीड्स जेल बनेगा वो काफी ज्यादा थिक होगा। अनदर क्वेरी वाज कि क्या फ्लैक्स सीड्स जेल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। फ्लैक्स सीड्स जेल आपकी स्किन के लिए अमेजिंग है। मेरी स्किन में, मैंने अभी आपको वीडियो में शायद आई शो इट टू यू, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फ्लैक्स सीड्स जेल लिया और अपने चेहरे पे लगा के छोड़ दिया। इट इज लाइक अ पील ऑफ मास्क, वो एकदम कोट हो जाता है आपके चेहरे पे और आप एक एप्लीकेशन में देखिए कि वो आपकी स्किन के लिए कितना अमेजिंग है। मैं जब भी मास्क बनाती हूँ स्ट्रेन करने के बाद, क्योंकि बहुत सारा जेल उसमें रह जाता है, मैं उस जेल को लेके अपने चेहरे पे हमेशा लगा लेती हूँ। एंड आप भी ये कीजिए, अमेजिंग थिंग फॉर योरसेल्फ। बॉइल करने के बाद जब जेल रेडी हो जाए तो आप उसको गर्म ही स्ट्रेन कर लीजिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद वो सेट हो जाता है, थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाता है और स्ट्रेनर के थ्रू वो पास नहीं हो पाएगा, सो इट विल बी लाइक अनदर इश्यू फॉर यू। अगर आपके पास मसलिन क्लॉथ अवेलेबल है, कोई कपड़ा अवेलेबल है, तो आप कपड़े में लेके भी उसको यू नो एकदम यू कैन ट्विस्ट इट प्रॉपरली और उसका जेल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप गरम गरम ही उसको अच्छे से स्टर करके बना लीजिए और स्ट्रेन कर लीजिए। सेकेंड इंग्रेडिएंट हेयर मास्क का है अनियन जूस। अनियन जूस कुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग फॉर योर हेयर, इसीलिए मैं अनियन जूस का डायरेक्ट एप्लीकेशन अवॉइड करती हूँ बताना, बिकॉज इट कैन बी डन फॉर श्योर,
बहुत ही अमेजिंग होता है, लेकिन बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इसीलिए अगर इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन किया जाए तो जिनके बहुत ही सेंसिटिव स्कैल्प हैं उनको हेयर फॉल ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अनियन को अपने ऑयल में इन्फ्यूज कर सकते हैं, कोल्ड प्रेस बना सकते हैं, आप इसको हीट कर सकते हैं और हीट करके अनियन ऑयल बना सकते हैं एंड सो ऑन। मैं अनियन ऑयल आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अनियन ऑयल इज कम्प्लीटली सेफ और कोई भी इस्तेमाल कर सकता है आपका हेयर स्कैल्प कितना भी सेंसिटिव। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक बीमारी है जिसका नाम है एलोपेशिया। एलोपेशिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके शरीर के सारे बाल गिर जाते हैं इंक्लूडिंग द हेयर ऑन द स्कैल्प। जहां ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वहीं ये सेल्फ एस्टीम को भी बहुत तरीके से हिट कर देता है। जानवरों में भी ये बीमारी काफी प्रचलित है। एलोपेशिया में यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि अनियन जूस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी दवाइयों में, उनके ट्रीटमेंट्स में अनियन जूस का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है और एलोपेशिया जैसी बहुत ही डिफिकल्ट बीमारी में भी अनियन जूस कारगर है। तो आप समझ सकते हैं कि अनियन जूस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितना ज्यादा कारगर। अनियन जूस के बारे में बोलना हो तो एक स्पेसिफिक वीडियो की जा सकती है उसके ऊपर। मे बी आई विल ट्राई डूइंग इट समटाइम, बट इस हेयर पैक के लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि अगर आप हेयर रीग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अगर आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं और आप उन्हें बढ़ाना चाहते हैं तो अनियन जूस कुड बी द मिरेकल यू आर वेटिंग फॉर। अनियन में सल्फर कंटेंट बहुत ही हाई होता है जिसकी वजह से उसकी स्मेल बहुत ही अनप्लेजेंट होती है। साइंस स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी लैब में सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता था बहुत ही पंडन स्मेल आती थी, तो मैम बोलती थी कि सल्फर है इसके अंदर। तो अब हमें पता है कि प्याज में जो अनप्लेजेंट स्मेल है वो किस चीज की है, इट इज सल्फर। और जो केरेटिन ट्रीटमेंट आप पार्लर्स में जाके कराते हैं इट इज नथिंग बट अ कोटिंग ऑफ सल्फर ऑन योर हेयर स्ट्रैंड्स। तो कैन यू रिलेट इट नाउ, अनियन में सल्फर है, बालों को सल्फर चाहिए, तो यानी कि बालों को अनियन चाहिए, वॉट एवर द इक्वेशन इज। बट येस, सल्फर इज अमेजिंग फॉर योर हेयर। अनियन जूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए आई नीड नॉट टेल यू, बहुत सारे तरीके हैं। आप उसको फाइनली चॉप करके एंड देन मोटा में आप उसको अच्छे से कूट सकते हैं और उसके बाद स्क्वीज करेंगे तो उसका जूस बाहर आ जाएगा। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा कारगर और सबसे ज्यादा ईजी होता है मैं उसे ग्रेट कर लेती हूँ, कद्दूकस कर लेते हैं। तो ग्रेट करने की वजह से वो बहुत ही फाइनली पिस जाता है और जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं सीव में, टी स्ट्रेनर में या किसी भी मसलिन क्लॉथ में, तो सारा का सारा जूस इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो आपको जो भी कंफर्टेबल है आप उस वे में अनियन जूस को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एंड लास्ट इज योर कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के बारे में मुझे बताने की कतई आवश्यकता नहीं है, एक पूरी वीडियो मैं कोकोनट ऑयल के ऊपर कर चुकी हूँ कि वो कितना अमेजिंग है आप लोगों के लिए। एक चीज जो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहती हूँ कि बहुत सारी वुड बी मॉमीज एंड टू बी मॉमीज मुझे मैसेजेस कर रही हैं कि उनको हेयर फॉल हो रहा है। नंबर वन, इट इज ऑल न्यूट्रिएंट बेस्ड, आप बहुत सारा अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में लीजिए। एंड सेकेंड इज इनटेक, आप बढ़ा दीजिए कोकोनट ऑयल का। कोकोनट ऑयल कुड बी अ गेम चेंजर। मैंने बताया मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो मामा बन चुकी हैं और उन्होंने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया था खाने के लिए, लगाने के लिए एंड ऑल ऑफ द हेयर पैक्स एंड एवरीथिंग एंड दे हैड अमेजिंग हेयर इवन आफ्टर पार्टिशन। इस पर्टिकुलर हेयर मास्क में कोकोनट ऑयल आपका कंडीशनर का काम करेगा अगर आप पूरी की पूरी अपनी स्कैल्प कवर करने वाले हैं। अगर आप नहीं करने वाले हैं तो ये एक मीडियम प्रोवाइड करेगा अनियन जूस के लिए ताकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना हो जाए। तो एनीवेज, यू कैन नॉट स्किप कोकोनट ऑयल इन दिस पर्टिकुलर हेयर मास्क। अनदर क्वेरी दैट आई रियली नीड टू मेंशन ओवर हियर इज कि बहुत सारे लोग क्वेरी मुझसे पूछते रहते हैं वीडियोस में कि क्या यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल की जगह मस्टर्ड ऑयल यूज कर लूँ, क्या मैं यहाँ पे इसकी जगह ये यूज कर लूँ। तो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स, आई रियली विश टू टेल यू कि जब मैं किसी हेयर पैक के बारे में बात कर रही हूँ और उसके रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो इट इज स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दोज इंग्रीडियंट्स। कुछ में आप ऑब्वियसली आप एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन एट टाइम्स जैसे ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल स्पेशली फॉर शाइन है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो ऑब्वियसली है बट स्पेसिफिकली वो शाइन के लिए है। वहां पर भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि क्या हम मस्टर्ड ऑयल यूज कर लें ऑलिव ऑयल की जगह एंड सो ऑन। तो आप देखिए, ऑयल की जगह पे आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन जब मैं रिजल्ट्स की बात के साथ यहाँ पे कर रही हूँ तो यहाँ पे आई स्पेसिफिकली वॉन्ट कि इस पर्टिकुलर हेयर मास्क में, इस पर्टिकुलर रेमेडी में आप वही ऑयल इस्तेमाल करें जो मैं आपको बता रही हूँ। टू एड्रेस वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू ऑल आस्क इज दैट वेदर दिस कैन बी स्टोर्ड और नॉट। आई वुड से आप इसको स्टोर करके मत रखिए बिकॉज डॉक्टर्स देमसेल्फ से कि सुबह का कटा हुआ प्याज आपको शाम को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। देयरफॉर अनियन जूस जो है आप
इमीडिएट कंजम्पशन के लिए प्रिपेयर करें, लगाएं एंड दैट्स ऑल। फ्लैक्स सीड्स जेल आप बना के रख सकते हैं एंड यू कैन कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर फॉर लाइक 1 वीक, बट फॉर द अनियन जूस आप जब भी अप्लाई करें आप इमीडिएट उसी टाइम बनाइए एंड अप्लाई कर लीजिए। सो दिस वॉज योर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ब्यूटिफुल इंग्रीडियंट्स इन दिस हेयर मास्क। जब इन तीनों को ब्लेंड किया जाता है, मतलब कि आप फ्लैक्स सीड जेल जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है, जो अनियन जूस आपने एक्सट्रैक्ट किया है, आपने उन सबको मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद आपने कोकोनट ऑयल उसमें फ्यूज कर दिया और अच्छे से फेंक दिया, तो ये जो हेयर मास्क आपके पास आया है, बिलीव मी इट कुड बी अ गेम चेंजर। कोई और वर्ड है क्या? मैं बहुत सारी वीडियो में गेम चेंजर यूज कर चुकी हूँ, बट बिलीव मी इट इज। बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है, आप जाकर देखिए कैस्टर एंड अनियन जूस के नीचे एंड द 14 डेज चैलेंज वीडियो, आप जाके देखिए लोगों के ब्यूटिफुल कॉमेंट्स। दे वर स्वीट इनफ टू कम बैक एंड टेल अस कि उनको बहुत बहुत फायदा हुआ है। एक्चुअली आई एम बैफल्ड बिकॉज इतने सारे लोगों के कॉमेंट्स आ रहे हैं कि दे हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। फ्यू ऑफ यू आर काइंड इनफ कि जिन्होंने मुझे अलाउ किया है कि मैं उनके रिजल्ट्स अपने चैनल में दिखा सकती हूँ, तो आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाकर देख सकते हैं। मैंने थैंक यू नोट्स उन लोगों के शेयर किए हैं, हाउ हैप्पी दे आर बिकॉज ऑफ ऑल द रेमेडीज दैट आई हैव शेयर। तो आप लोग प्लीज इसको इस्तेमाल कीजिए। आई रियली वॉन्ट एवरीबडी टू बी हैप्पी विद देयर हेयर एंड डू नॉट गो टू द पार्लर फॉर एनी केमिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल। तो इस ब्लेंड को मैंने अपने बालों के लिए क्यों इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं वीडियो में दैट अभी तो मेरे बाल काफी अच्छे हो रखे हैं, काफी बाउंसी हो रखे हैं, काफी हैप्पी हूं मैं। लेकिन अगर आप मेरी उस वीडियो में जहां पे मैं एप्लीकेशन आपको भी दिखाने वाली हूं, वहां पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे हेयर रिसीट अभी नहीं दिख रहा है बिकॉज काफी अच्छे से धुले हुए हैं बाल। वहां पर आप देख सकते हैं कि नेचुरल ऑयल आया हुआ है जिस वजह से हेयर लाइन जो है वो थिनिंग दिख रही है। इट इज बिकॉज की मॉनसून सीजन है, मैंने बोला है बहुत हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन मैंने बोला है हमें रीग्रोथ पर ध्यान देना है, हेयर फॉल पर नहीं। तो ये जो मास्क है आप पूरा मॉनसून इस्तेमाल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आई एश्योर यू। तो एज ऑलवेज मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया है और उसको पार्टीशन करके अपने बालों में लगाया है। हैव अ लुक। दिल से तन्हाई का दर्द जीता, क्या कही हम पे क्या क्या न बीता, तुमसे मिलने के दिन तो गए। कवर द स्कैल्प, आपको जहां जहां इशू है वहां थोड़ा स्पेसिफिकली ज्यादा करिए, राइट, और बाकी जगह जैसे आप नॉर्मली करते हैं हेयर पैक की तरह। नाउ सिंस द रूट्स आर कंप्लीटली कवर्ड, अब आप क्या करेंगे, अब आप सेक्शंस लेंगे, जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें पता है कैसे अप्लाई करना है, एंड लेंथ कवर करेंगे। सिंपल। ओके, सो दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन लुक्स लाइक। आप देख सकते हैं मैंने बन बना लिया है एंड आई एम गोइंग टू लेट इट बी लाइक फॉर 3 to 4 hours एंड देन आई वॉश माई हेयर विद शैम्पू। आप चाहें तो कंडीशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके बाल बहुत रफ हैं। अगर नॉर्मल हैं तो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी कंडीशनर की बिकॉज ये बहुत अमेजिंगली आपके पूरे जो हेयर स्ट्रैंड है उसको बहुत ही अच्छे से कर देगा बिकॉज कोकोनट ऑयल यूज हुआ है, फ्लैक्स सीड यूज हुआ है, तो बाउंड टू गिव यू रिजल्ट्स।
वॉचिंग मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मैं भी YouTube में एक व्यूअर रही हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. चैनल तो मेरा अभी बहुत नया नया चैनल है. हम लोग सोचते थे कि क्या बोलते रहते हैं सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल द टाइम, एंड वी वर नॉट वेरी मच पर्टिकुलर एंड वेरी मच अवेयर कि वो क्या है. एज अ क्रिएटर मैं वीडियोज बना रही हूँ, आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द क्रिएटर्स टू मेक द वीडियोज एंड प्रेजेंट इट बिफोर यू ऑल. अगर आप हमारे एफर्ट्स की सराहना करना चाहते हैं, इफ यू रियली अप्रिशिएटेड, आई नो माई सब्सक्राइबर्स आर अमेजिंग, बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. इस तरीके से आप हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम और वीडियोज बनाएं और मेहनत करें और अमेजिंग रिजल्ट आप लोगों के सामने रखते रहें और आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियोज बनाते रहें. स्टे कनेक्टेड एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग न्यू अबाउट द हेयर. Till then, take really good care of yourself.